तो हे गाइस, कैसे हो आप लोग। मैं वापस आ चुका हूँ एक और नई वीडियो लेकर के माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन के ऊपर गाइस। तो आज के मिलाया हूँ मैं आप लोगों के लिए माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन में पोकेमोन का यहाँ पे आप लोग क्या ऐड ऑन गाइस, जिसकी मदद से आप लोग अपने माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन में पोकेमोन को प्ले कर सकते हो। और बताऊंगा इसको किस तरह से, आपको पूरी तरह से चीज़ें बताऊंगा इसको किस तरह से आप लोग प्ले कर सकते हो सर्वाइवल में। तो वीडियो बस आप लोग लास्ट तक देखते जाएगा। सबसे पहले इसको आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, मीडिया फाइल की लिंक है, एक क्लिक कीजिएगा डाउनलोड हो जाएगी आपकी फाइल। एम चौड़ है, कोई जिप फाइल वगैरह होगी नहीं। उसके बाद आप लोग इसको एम चौड़ में इंपोर्ट कर लीजिएगा अपने माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन में। उसके बाद आप लोग एक नया वर्ल्ड क्रिएट कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ एक नया वर्ल्ड क्रिएट गाइस जल्दी से। तो यहाँ पे जल्दी से एक नया वर्ल्ड क्रिएट कर लेते हैं गाइस। तो देख लो गाइस कैसे करना है। सबसे पहले मैं यहाँ क्रिएटिव कर लेता हूँ, आप लोग चाहो तो सर्वाइवल भी रख सकते हो। यहाँ पे आपको एक्सपेरिमेंट में जाना और ये तीनों एक्सपेरिमेंट ऑन कर देना गाइस। और उसके बाद आपको रिसोर्स पैक में जाना है, माय पैक में जाना है गाइस। और यहाँ पे आपको दिख जाएगा यहाँ पे SERP पोकेमोन आर, इसको कर लेना है आपको एक्टिव गाइस। और उसके बाद बिहेयर पैक में भी जाकर ये पैक को एक्टिव कर लेना गाइस। तो मैं दोनों पैक को एक्टिव कर लेता हूँ जल्दी से। तो ये वाला एक हो गया, पैक हो गया एक्टिव। उसके बाद आप लोग बिहेयर पैक में जाइएगा, माय पैक में जाइएगा और यहाँ पे भी आपको वही पैक मिलेगा, इसको भी कर लीजिएगा आप लोग एक्टिव गाइस। तो इसको भी मैं कर लेता हूँ मैं एक्टिव जल्दी से। तो यहाँ पे इसको भी कर लिया मैंने एक्टिव। आप इसको कर लेते हो वर्ल्ड को क्रिएट गाइस। तो यहाँ पे मेरे जल्दी से एक्टिव हो जाए बस। तो जल्दी से यहाँ पे एक्टिव हो जाए भाई, कंटिन्यू होना यार। ओके हो चुका है, अब यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं वर्ल्ड को गाइस। तो गाइस मेरे यहाँ पे वर्ल्ड हो रहा है गाइस क्रिएट। तो यहाँ जाता है अपना वर्ल्ड होता है गाइस क्रिएट। आप लोग को वीडियो लाइक चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी दबा दीजिए गाइस। तो आपको जब एक्टिव होगा कुछ इस टाइप का इंटरफेस हो जाएगा, SERP पोकी रॉक गाइस, पोकी डी रॉक। तो इस टाइप का हो जाएगा गाइस। उसके बाद आप लोग देख सकते हो मैं हो चुका हूँ यहाँ पे स्पॉन। तो गाइस मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ यहाँ पे। देखो गाइस आपने यहाँ पे रैंडम यहाँ पे आपको यहाँ पे पोकेमॉन मिल जाएंगे, जैसे यहाँ पे पीजी है गाइस और यहाँ पे काफी सारे पोकेमॉन है। तो आप लोग अलग अलग बायो में अलग अलग टाइप के पोकेमॉन मिलेंगे आपको, इसलिए अलग अलग बायो में जाना पड़ेगा अगर आप अलग अलग टाइप के पोकेमॉन पकड़ना चाहते हो गाइस। तो अभी मेरे यहाँ पे देख सकते हो काफी सारे पोकेमॉन तो दिख चुके हैं इसी बायो में। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, अगर आप लोग क्रिएटिव में तो आराम से कोई भी पोकेमॉन निकाल सकते हो गाइस। तो जैसे मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ, जैसे यहाँ पे आप इन्वेंटरी में जाओगे तो आपको यहाँ पे काफी सारे पोकेमॉन भी दिख जाएंगे काफी आराम से गाइस। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ पोकेमॉन। तो ये देख सकते हो कितने सारे पोकेमॉन है यहाँ पे गाइस, और काफी सारी चीजें अभी आपको मिलेंगी गाइस। तो मैं बता दूंगा आपको किस तरह से अभी को यूज करना गाइस। देखो कितने सारे यहाँ पे चीजें गाइस, तो देख सकते हो यहाँ पे आपको साइनी पोकेमॉन भी मिलेंगे गाइस। तो ये देख सकते हो 4000 के ऊपर चला गया गाइस। और ये देख सकते हो बल्ब ब्लास्टॉइज है यहाँ पे, आर्टिकोनो जो कि लेजेंडरी पोकेमॉन है गाइस, यहाँ पे आपको वो सारे भी दिखेंगे गाइस। तो ये देख सकते हो कितना ज्यादा यहाँ पे पोकेमॉन है। और यहाँ पे आपको काफी सारी चीजें भी मिलेगी आप लोग को, मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे एक स्टोन भी मिलेगा गाइस। तो यहाँ पे आपको थंडर स्टोन, मून स्टोन, बाकी सारे काफी सारे स्टोन मिलेंगे जो कि आपको सिर्फ केव में मिलेंगे गाइस। तो ये रैंडम आपको कहीं मिलेंगे केव के अंदर, तो आप लोग माइनिंग वगैरह जाओगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे ये सारे स्टोन, जिससे कि आप लोग इवॉल्व कर सकते हो अपने पोकेमॉन को गाइस। तो ये देख सकते हो कितना सारे स्टोन है गाइस, उससे आप लोग इवॉल्व कर सकते हो काफी इजी गाइस ना। और यहाँ पे आपको पोकेबॉल भी मिल जाएंगे। तो ये देख सकते हो सभी पोकेमॉन। तो मैं आपको दिखा दूंगा आपको क्राफ्टिंग पे, आपको स्क्रीन में दिख जाएगी, उससे आप लोग क्राफ्ट कर सकते हो पोकेबॉल्स को भी। तो गाइस किस तरह से आपको क्राफ्ट करना मैंने बता ही दिया गाइस। आपको एप्रिकॉन के पेड़ मिलेंगे गाइस, उससे आपको बनाना पड़ेगा एप्रिकॉन, तो उससे आप लोग क्राफ्ट कर सकते हो गाइस। तो अगर आप लोग ये सभी चीजों की रेसिपी जानना चाहते हो गाइस, तो मैं आपको वेबसाइट की इसकी लिंक दे दूंगा, वहां से आप लोग जाकर वेबसाइट में देख सकते हो गाइस। और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ आपको इसको कैच करने करना कैसे करना गाइस। जैसे आपको पिकाचू है गाइस, यहाँ पे आपको पोकेबॉल लेके जाना और टेम का बटन आएगा गाइस, उस पर क्लिक कर देगा गाइस। और उसके बाद पिकाचू चला जाएगा, आपको टीम हो जाएगा गाइस, और वो सभी जाके लड़ने लगेगा गाइस। क्योंकि अगर आप लोगों ने किसी भी पोकेमॉन को हिट किया होगा गाइस, तो वो अपने आप ही जाकर के उस पोकेमॉन से लड़ना शुरू कर देगा गाइस। वो देख सकते हो मैंने पिकाचू पिकाचू मेरा ब्लास्टोइज को पूरी तरह से मार दिया, क्योंकि मैंने ब्लास्टोइज को हिट किया था गाइस। तो इस तरह से आप लोग कर सकते हो। और मैं बता दूंगा आपको इसको रिटर्न भी कैसे करना गाइस। जैसे कि आप लोग यहाँ पे पोकेबॉल लेना है अपने हाथ में, और जो भी पोकेमॉन को आप लोग टीम रखे हो यहाँ पर आपको मिलेगा रिटर्न का ऑप्शन। जैसे ही क्लिक करोगे आपको यहाँ पे पोकेमॉन, यहाँ पे पोकेबॉल और उसका यहाँ पे एक पिकाचू मिल जाएगा वापस गाइस, जिससे कि आप लोग पिकाचू को वापस दे रख सकते हो गाइस। और वही पोकेबॉल से वापस उसको टेम कर सकते हो और वापस इसके साथ प्ले कर सकते हो। तो देख सकते हो यहाँ पे फिर से मैंने टेम किया, और ये देख सकते हो फिर से यहाँ पे वहाँ अपना बन चुका गाइस। फिर रिटर्न पे क्लिक करेंगे हमें वापस से मिल जाएगा अपना पिकाचू और पोकेबॉल गाइस। तो वैसे मैं बता देता हूँ आप लोग इवॉल्व कैसे कर सकते हो पोकेमॉन। तो आपको रेयर कैंडी मिलेगी गाइस, जिसको आप लोग बाय कर सकते हो। तो मैं दिखा दूंगा बाय कैसे करना है गाइस। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को कोई भी पोकेमॉन है उसको टेम करना पड़ेगा, तभी जाकर आप लोग उसको इवॉल्व कर सकते हो गाइस। तो सबसे पहले मैं बल्बसॉर को टेम कर देता हूँ। यहाँ पे देखो गाइस गलती से भी आप लोग कोई पोकेमॉन को हिट मत कर देना अपने वाले, वरना आप लोग जो भी पोकेमॉन को टेम करोगे वो उसके एक दूसरे के साथ लड़ाई करना शुरू कर देंगे। जस्ट आपको उसको रोकने के लिए आपको सीट करना पड़ेगा पोकेमॉन, लेकिन मैंने सीट करने से पहले उसने मार दिया गाइस। तो यहाँ पे देखो फीट करोगे गाइस, तो यहाँ पे ये देखो गाइस कुछ इस टाइप से इवॉल्व होना शुरू हो चुका अपना बल्बसॉर गाइस। और यहाँ पे देख सकते हो आइवरी सॉर में यहाँ पे इवॉल्व हो चुका है। इसके बाद फिर से हम लोग इसको फिट करते थे गाइस, ये हो जाएगा वीना सॉर पे इवॉल्व गाइस। तो ये देख सकते हो ये हो चुका है वीना सॉर पे इवॉल्व गाइस, जिसका आप लोग सीढ़ी स्टैंड भी करा सकते हो गाइस। जैसे यहाँ पे आर्टिकल जैसे मैंने इसको हिट किया, यहाँ पे वीना सॉर आ चुका है लड़ने के लिए उससे। देख सकते हो काफी यहाँ पे फाइट हो चुकी है शुरू। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे अभी आपको एप्रिकॉन का ट्री भी दिख रहा होगा, तो इस एप्रिकॉन की ट्री से आप लोग निकाल सकते हो एप्रिकॉन भी गाइस।
तो गाइस मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ और भी चीज़ें। जैसे इसमें आपको पोकेमोन का एक पीसी मिल जाएगा, और पोकेमोन सेंटर पे यहाँ पे एक और चीज़ मिल जाएगी गाइस, इसमें आप लोग पोकेमोन रख सकते हो गाइस। तो ये रहा अपना, यहाँ पे रख देते हैं ये दोनों चीज़ को। तो ये देख सकते हैं ये पीसी का कैसे यूज़ करना होगा, इसको कैसे यूज़ करना, मैं दोनों को बताऊंगा गाइस। तो सबसे पहले यहाँ पे इसका जान लेते हैं, पोकेमोन सेंटर का पीसी गाइस। तो इसको आपको यूज़ करने के लिए आपको चाहिए ट्रेनर कार्ड गाइस, ठीक है। ट्रेनर कार्ड आप लोग ले लो कहीं से भी, और उसके बाद आप लोग यहाँ पे इसको जाना है टेम कर लेना गाइस। तो आप लोग यहाँ ऑन हो जाएगा पीसी, जिसके अंदर आप लोग पोकेमोन रख सकते हो। जैसे यहाँ पर कोई भी पोकेमोन रहे उसको रख सकते हो, और कहीं से भी निकाल सकते हो गाइस। जैसे कि असली में पोकेमोन सेंटर में काम करता था गाइस, उस टाइप से आप लोग इसमें कर सकते हो। यहाँ पे आपको पीसी मिलेगा जिससे आप लोग खरीद सकते हो काफी सारी चीजें। उसके खरीदने के लिए आपको चाहिए पोकी कॉइन गाइस, तो यहाँ पे पोकेमोन कॉइन लेना होगा आपको इस टाइप से। और सो आप लोग यहाँ पे ट्रेड का ऑप्शन आएगा, ट्रेड कीजिएगा और देख सकते हो यहाँ पे आपको काफी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे ट्रेनर कार्ड भी वगैरह खरीद सकते हो आप लोग, और इससे आप लोग पोकेमोन को पोकी कॉइन्स भी ले सकते हो गाइस। इस वाली चीज़ होगा आपको कलेक्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले में आप लोग यहाँ से पोकी बॉल भी ले सकते हो गाइस, और यहाँ पे आपको ट्रेनर कार्ड भी मिल जाएगा, और यहाँ से आप लोग वो फ्लाइंग करने के लिए मशीन भी ले सकते हो गाइस। और ये एप्रिकॉन ट्री से आप लोग मिलेगा एपेरी की सीड, जिससे आप लोग पोकी बॉल बना सकते हो गाइस। तो देख सकते हो इससे आप लोग सीड से पोके बॉल भी बना सकते हो। तो मैं आपको दिखा दूंगा, ये वेबसाइट की लिंक दे दूंगा गाइस, वहां से आप लोग देख सकते हो सभी चीज़ों की रेसिपी, क्योंकि मैं एक एक करके सभी चीज़ों की रेसिपी बताऊंगा तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगा गाइस। तो आपको कुछ कुछ चीज़ें मैं बता देता हूँ। जैसे आप लोग एप्रिकॉन का सीड मिलेगा, इससे आप लोग चाहो तो खूब सारे एप्रिकॉन भी लगा सकते हो गाइस। और आपको एक मैन्यूर बनाने का है, मैन्यूर बना करके आप लोग किसी भी एप्रिकॉन को बड़ा करके उसका ज़्यादा सीड पा सकते हो गाइस। और काफ़ी सारे यहाँ पे आप लोग पोके बॉल भी बना सकते हो बाय करने की जगह गाइस। तो गाइस अब आते हैं हम लोग अगली चीज के ऊपर, जिससे कि आप लोग बताता हूँ मैं कि फ्लाई कैसे कर सकते हो गाइस। तो सबसे पहले आप लोगों को लेना पड़ेगा कोई भी पोकेमोन, तो मैं यहाँ लेता हूँ 4 मैंडर गाइस। तो याद रखना गाइस, आप लोग कोई भी वो बड़े पोकेमोन को यहाँ पर टेम नहीं कर सकते गाइस, आपको छोटा पोकेमोन ही टेम करना पड़ेगा गाइस। जैसे यहाँ पे 4 मैंडर है गाइस, तो 4 ही 8 को आप लोग डायरेक्ट टेम नहीं कर सकते, आपको 4 मैंडर को टेम करना पड़ेगा। उसके बाद आप लोग इसको इवॉल्व कर सकते हो गाइस, यानी कि आपको 4 ही 8 को डायरेक्ट टेम नहीं होगा गाइस, आपको 4 ही 4 मैंडर को ही टेम करना पड़ेगा। तो मैं 4 मैंडर को टेम कर लिया हूँ, उसको यहाँ पे फिट करके बड़ा कर दूंगा गाइस, 4 ही 8 कर देता हूँ इवॉल्व। तो यहाँ पे देख सकते हो ये इवॉल्व हो रहा है गाइस 4 मिलियन में गाइस। तो यहाँ देख सकते हो 4 मिलियन में अपना इवॉल्व हो चुका है अपना यहाँ पे पोकेमोन। इसके बाद फिर से इसको फीड कराएंगे तो गाइस यहाँ पे अपना इवॉल्व हो जाएगा पोकेमोन यहाँ पे 4 ही 8 में गाइस। इसके बाद आप लोग इसको फ्लाई कर सकते हो गाइस, ये अपना अभी टीम है गाइस 4 ही 8। तो इसको फ्लाई करने के लिए आपको चाहिए वो एक टूल गाइस, तो ये टूल ले लेते हैं हम लोग जल्दी से। तो ये देखो गाइस, ये है पोकी राइड गाइस। तो इसको आप लोग बाय कर सकते हो पीसी से, तो मैंने दिखाई दिया, तो उस पीसी से बाय कर सकते हो। उसके बाद इसको आप लोग यहाँ पे पहना देना गाइस, और जैसे ही आप लोग इसका राइड करोगे गाइस, तो यहाँ पे देख सकते हो ये आपको बाइक भी मानेगा, जहाँ चाहे वहाँ पे आप लोग उड़ा सकते हो, काफी ऊपर ऊपर तक उड़ा सकते हो गाइस। देख सकते हो किस तरह से आप लोग इसको फ्लाई कर सकते हो गाइस, बिल्कुल इलाइटर के जैसा फ्लाई कर सकते हो गाइस। मतलब इलाइटर की जाओ, इलाइटर तो बाद में गिर भी जाता है गाइस, पर ये गिरेगा नहीं। आप लोग ऊपर देखोगे तो ऊपर जाएगा, नीचे देखोगे गाइस तो नीचे जाएगा, आपको पूरा कंट्रोल इसके ऊपर रहेगा गाइस। तो काफी ईजी इसको उड़ाना गाइस, और काफी दूर दूर तक अलग अलग बाइक में आप लोग जा सकते हो इसी से करके, और अलग अलग टाइप के पोकेमोन भी पकड़ सकते हो, काफी इजी हो जाएगा आपके लिए गाइस। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा इस तरह से वीडियोस देखने के लिए गाइस। और हमारा इंस्टाग्राम और डिस्कॉर्ड का भी लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप लोग हमारे डिस्कॉर्ड और इंस्टाग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हो गाइस। इसके क्रिएटर जो है उनका लिंक मैंने दे दिया डिस्क्रिप्शन में, उनकी वेबसाइट से आप लोग जा करके सभी चीज़ें फाइंड कर सकते हो। जो भी आपको रेसिपी वगैरह में दिक्कत आती है वहाँ से जाकर आप लोग देख सकते हो गाइस। तो गाइस आज के एपिसोड में बस इतना ही रखते हैं गाइस, तब तक गाइस मिलते हैं अगले गेम एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।